News 18, India. पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। अभी तक इस केस में सबसे बड़ी बात यही होने का इंतजार था, जो कि तहखाना केस में पूजा करने का अधिकार मिल गया, यानी जो गौरी को लेकर ऐसी खबरें चल रही थी, जो याचिका करता थी, उन लोगों का यही था कि हमें इस जगह पे जाकर पूजा करने की इजाजत दी जाए, वो पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। एक तरफ एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जिसकी कुछ बातें सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस केस में, यानी ज्ञान वापी केस में, अभी तक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि पूजा करने का अधिकार मिल चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले यही मांगा था कि हमें वहां से जाकर पूजा करने का अधिकार मिले, और वो पहली मुराद आप कह सकते हैं कि वो पूरा हो चुका है उनका। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, वाराणसी कोर्ट का ये सबसे बड़ा फैसला अभी तक का। आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है और हम लोग को सनातन धर्म कायम हो गया। हर हर महादेव। क्या कहेंगी आज, तो आपके लिए वो जो गीत आप क्या गाएंगी आज आप? अरे हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है, फिर से काशी बम बम बोलने लगा है। तो क्या कहेंगी आज आप बाबा द्वारे? ज्ञान वापी के मंदिर में हुआ, ज्ञान वापी के मंदिर में हुआ, हुआ ने ओ घर दानी, हाय हाय ओ घर दानी। अरे बाबा द्वारे नंदी पुकारे, बाबा द्वारे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाओ घर दानी। देखिए ये रेखा पाठक जी थी जो इस वक्त आपके सामने सुन रहे थे, और बड़ी ये जीत मिली है मंदिर पक्ष को, और जिस तरीके से यहाँ पर अब लगातार जो है बात की जा रही थी कि यहाँ पर पूजा का अधिकार मिले, और उसके बाद यहाँ पर पूजा का अधिकार मिल गया। सुधीर त्रिपाठी ही बोले और यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट ही करेंगे, और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे और नियमित पूजा कराएंगे, यह आदेश जिला जज ने दे दिया। 7 दिन में पूजा शुरू करनी, 7 दिन के अंदर अंदर शब्द है, यानी कल परसों भी करा सकते अपनी व्यवस्था से, उसको लोहा के ब्रैकेटिंग को काट करके व्यवस्था बनाएंगे। और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ब्रैकेटिंग के दक्षिण तरफ जो तहखाना जो हमारी चौहद्दी थी वहीं पर पूजा प्रारंभ कराना है। 7 दिन के अंदर सालों से बंद थी पूजा, 1993 से बंद थी, और लगातार यह बंद था। वर्तमान सरकार जो था उसमें बिना किसी आदेश से कोर्ट के उसको बंद करा दिया था। अब प्रारंभ 7 दिन में पूजा का अधिकार मिलने की बात कही गई है, और अब 7 दिन में वहां पर पूजा शुरू हो जाएगी। हम लगातार जो यहां पर वकील थे उनसे बात कर लेते हैं कि ये देखिए सुधीर जी कितने दिन में पूजा का अधिकार मिल जाएगा? सुधीर जी 7 दिन के अंदर पूजा प्रारंभ करा देना है, अधिकार मिल चुका है, चाहे तो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, जब भी करके। विस्तार से पूरा निर्णय बताइए, क्या दिया अदालत ने? अदालत ने 3-4 पेजों में जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि प्रार्थना पत्र में जो रिसीवर नियुक्त है, रिसीवर को आदेश दिया जाता है कि वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से मिलकर के और बाजी के साथ मिल करके एक पुजारी नियुक्त करके इसको नियमित पूजा प्रारंभ करावे, 7 दिन के अंदर लोहे के ब्रैकेटिंग को व्यवस्था बनावे। क्या रास्ता, क्या नंदी जी के सामने रास्ता भी खुल जाएगा? निश्चित खुलेगा। देखिए ये बड़ी खबर है, नंदी जी के सामने रास्ता खुल जाएगा, ब्रैकेटिंग हटा दी जाएगी, बड़ी खबर दे रहे हैं। रास्ता भी खुलेगा, नंदी के सामने ब्रैकेटिंग हटा जाएगी, पूजा प्रारंभ करा दी जाएगी, और आपके सामने महंत जी है, लिख लीजिए। महंत जी कितनी बड़ी, ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की, ये सभी सनातन हिंदुओं की जीत है, करोड़ों हिंदुओं की जीत है। सुभाष जी कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये जीत हम लोगों के लिए माइलस्टोन, बहुत बड़ा ये जीत है। ये हमारे पक्ष को कोर्ट ने माना है कि वो परिसर जो दावा करते थे कि अंजुमन का कब्जा वो हिस्सा है, उस मस्जिद का हिस्सा है, कोर्ट ने नकारते हुए कहा है कि वो परिसर जो है ब्यास जी का तहखाना है, 1993 तक जो पूजा पाठ होती थी जो बंद कर दिया गया है उसको पुनः चालू किया जाए, और 1 सप्ताह के अंदर माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि उस कोर्ट के आदेश को कम्प्लायंट कर दिया जाए। हम जो है बात भी कर लेते हैं यहाँ पर लगातार। दीपक भाई कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है, आज का इतिहास। विष्णु जी कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप? इसको लगातार लगे थे, आज आपकी भी आंखें भावुक हो रही। विष्णु जी ज्ञान वापी में पहली बार आज घंटी बजेगी, पूजा होगी। अरे विष्णु जी पहली बार ज्ञान वापी में पूजा होगी, आपकी आंखें भावुक हो रही है, क्या कहेंगे विष्णु जी? हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है, और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। ये कभी सोचा था कि ज्ञान वापी में कहीं पूजा भी होगी, अब घंटी भी होगी, और तब एक तरीके से आप लोगों का बिगुल बज गया, बिगुल बज गया है,
और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़ा। कितने दिन में ऑर्डर को कंप्लायंस करानी है? 7 दिन के अंदर ऑर्डर की कंप्लायंस। तो क्या पूजा के लिए और क्या क्या बैरिगेटिंग जो नंदी के सामने जिसको लेकर पूरे उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट, यानी कि अभी तक जो लोग वहाँ नंदी के सामने बैरिगेटिंग देखते थे वो बैरिगेटिंग खत्म हो गए। विष्णु जी, तो इसको विस्तार से बताइए, जज ने पूरा विस्तार से निर्णय बताइए क्या कैसे कैसे ये पूरा निर्णय आया और अब आगे की रणनीति क्या? अब आगे की रणनीति यही है, मैं हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है तो बैरिकेडिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय, आगे उनसे बात करेंगे क्या करें? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेडिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जा सकता है? बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उसे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवम्बर 1993 में अपनी पावर का मिस यूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञान माफी केस? नहीं, देखिए हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पर नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाई कोर्ट में भी जो शिवलिंग था उसके केस को भी जो है रोक दिया गया, सबको नोटिस हो गया, वहां पर भी आपको लग रहा है कि अब जल्दी कथित जो मस्जिद है यानी कि जो फव्वारा है उसकी थोड़ी भी खत्म हो जाएगी वहां? देखिए लीगल पोजीशन ये है कि जो सील्ड एरिया है उसके लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है 12 मई को और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना मंजू जी कितना बड़ा जीत मान रही है? बहुत बड़ी जीत हुई, आज हमारा जो अधिकार था आज मिल गया। आसना रो रही है, आप आज भावुक हो गई। बहुत बड़ा महम फैसला आया है और पूरे सनातन धर्म की जीत हुई है। हर हर महादेव, काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है काशी। तो आपको लगता है अयोध्या की तरह काशी में भी अब आप लोग भव्य भव्य, अब हमारा मंदिर का रास्ता खुल गया, अब हमारे उसमें पूजा करने का हक अधिकार मिल गया। हर हर महादेव। तो कितने भावुक एक पल है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत आज खुशी नहीं दीदी, आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, अब हमारी पूजा पाठ उसमें नियमित रूप से शुरू हो गई। सुभाष जी, मंजू जी बहुत भावुक है, पूरा निर्णय चरणबद्ध तरीके से, क्या मांग थी क्या निर्णय आया? देश भावुक है, पक्ष में हमारे आ गया है, वो व्यास जी का तकाना व्यास जी का था, कोर्ट ने माना है। 1993 तक वहाँ हिंदू रीति रिवाज से धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ वगैरह होती थी जिसको बहाल करने का आदेश माननीय जिला कोर्ट ने दे दिया है और एक सप्ताह के अंदर उस आदेश का कंप्लायन रिसीवर जिलाधिकारी को आदेशित किया। एक सप्ताह के अंदर रिसीवर जो जिलाधिकारी हैं उनको पूजा पाठ वहाँ पुनः जो है चालू करवाना है। तो क्या आप लोग इसके लिए जिला प्रशासन मिलने भी जाएंगे जैसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं? सारी चीज़ें हम लोग आदेश की कापी वहाँ मेल कर दिया गया और आदेश की कापी भी दिया जाएगा और उनसे भी आग्रह होगा कि आप इस कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस करें। क्या एक हफ्ते के
पहले भी पूजा शुरू हो सकती है वहाँ पर? अब ये हो सकता है, बात अब करना होगा, आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ सारी धार्मिक क्रियाएं पुनः शुरू हो जाए। तो आपने सुना कि सभी पक्ष काफी जो मंदिर पक्ष है वो काफी उत्साहित है, और अब चूंकि एक हफ्ते में पूजा के अधिकार का एक हफ्ते में कम्प्लाइंस कराने का, यानी कि जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन कराने का एक हफ्ते का समय दिया है, लेकिन एक हफ्ते के पहले भी तो लोगों की भावनाएं, याचिकाकर्ता, वकील सबको बारी बारी से